ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आज की क्लास में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सीआरओ की चर्चा करेंगे, सीआरओ पार्ट वन, और कल परसों में सीआरओ पार्ट टू। मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं तो मेरे साथ विजय, नरेंद्र, विकी, चंदन, संजय और रूपा जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कल आप लोगों की क्लास शेड्यूल्ड थी मगर नहीं हो पाई थी, और आज हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सीआरओ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। कई बार बहुत छोटे से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और कई बार जब कोई आप अच्छा एग्जाम देते हो थोड़ा सा अंदर घुस करके पूछा जाता है। तो सीआरओ की मैं दो क्लासेज लूंगा लगभग, एक आज और एक कल या परसों में किसी दिन लूंगा। आज थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, और कल या परसों की जो क्लास होगी उसमें इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है, लिसाजुअस पैटर्न पे, जो लिसाजुअस पैटर्न है उस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है उसकी चर्चा करेंगे। मगर स्टार्ट यही बेसिक से करते हैं, ठीक है। अंकित, गरिमा, रवि, सुजीत, राहुल, राहुल बोल रहे हैं सर इलेक्ट्रिसिटी रूल के लेक्चर कंप्लीट करवा दीजिए। बिल्कुल राहुल, उसका भी नंबर लगने वाला है। बस आइए हम बात करते हैं सीआरओ की, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एक प्रकार से इससे हम एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आप मान लीजिए, एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर है सीआरओ। सीआरओ एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, जिसकी मदद से हम वोल्टेज नाप सकते हैं, और वोल्टेज नापने के साथ साथ हम इससे करंट भी मेजर कर सकते हैं। इससे हम टाइम पीरियड भी किसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी भी नाप सकते हैं, फेज डिफरेंस भी नाप सकते हैं, सारी चीजें हम नाप सकते हैं। संदीप बोल रहे हैं सर आईटीआई वाले क्लास ले सकते हैं। आईटीआई वालों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं, उनके लिए बस दो चार लाइन यूजफुल है, बाकी इसके अंदर की वर्किंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं उनके लिए। बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ठीक है। सीआरओ एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ये नॉर्मली वोल्टेज मेजर करता है। अब वोल्टेज, जैसे पीएमएमसी वगैरह आपने पढ़ा है, तो पीएमएमसी बेसिकली करंट नापता था, मगर उस करंट नापने से ही थोड़ा बहुत चेंज करके हमने उसी से वोल्टेज वगैरह भी नाप लिया था। तो ऐसे ये बेसिकली नापता वोल्टेज है, मगर थोड़ा सा वोल्टेज नापने के साथ साथ हम इससे करंट भी नाप सकते हैं। तो नापता ये वोल्टेज करंट दोनों है। तो सीआरओ यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। इससे आप वोल्टेज नाप सकते हो, इससे आप करंट नाप सकते हो, इससे आप किसी सिग्नल का टाइम पीरियड नाप सकते हो, किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी नाप सकते हो, दो सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस कितना वो नाप सकते हो आप, यानी फेज डिफरेंस यानी फेज शिफ्ट नापना हो, टाइम पीरियड नापना हो, फ्रीक्वेंसी नापनी हो, ये सारी चीजें हम नाप सकते हैं इसकी मदद से। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये वोल्टेज या करंट नापता है तो कौन सा वोल्टेज, एसी वोल्टेज अगर नापता है तो एसी वोल्टेज की कौन सी वैल्यू नापता है, आरएमएस वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। आपने देखा था कि अगर आपका इलेक्ट्रोडायनामो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए ले लीजिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों नापता था, और एसी में कौन सी वैल्यू नापता था, आरएमएस वैल्यू। ये जो नापेगा ये किसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू भी नाप सकता है, एवरेज वैल्यू भी नाप सकता है, पीक वैल्यू भी नाप सकता है, सारी चीजें नाप सकता है ये, ठीक है। इट इज वेरी इफेक्टिव सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से हम क्या क्या नाप सकते हैं, वोल्टेज, करंट और टाइम पीरियड, और मैं भी लिखूंगा जिसको मिटाने के बाद, और फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस। इससे हम पावर नहीं नाप सकते, पावर नहीं मेजर कर सकते हो आप सीआरओ से। सीआरओ एक प्रकार से मान लीजिए लीनियर डिवाइस है, लीनियर इंस्ट्रूमेंट है, इससे आप नॉन लीनियर क्वांटिटी पावर नहीं मेजर कर सकते। और अगर हम बात करें कि अगर एसी करंट नापता है तो एसी करंट की कौन सी वैल्यू नापता है, ये आरएमएस वैल्यू भी नाप सकता है, ये एवरेज वैल्यू भी नाप सकता है, ये मैक्सिमम वैल्यू भी नाप सकता है, सब कुछ नाप देगा, आरएमएस, एवरेज, मैक्सिमम, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि सीआरओ का एक हर्ट होता है, सीआरओ के हर्ट को बोलते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। सीआरओ का जो हर्ट होता है उसको बोलते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, जो कि यहां बनाया गया है। ये कैथोड रे ट्यूब है, ये
क्वेश्चन आता है व्हाट इज हर्ट ऑफ सीआरओ. अगर आपके पास सिर्फ 2 से 3 मिनट हो और आपको सीआरओ पढ़ना है तो सिर्फ 3 लाइन आप याद रखना सीआरओ के लिए, बाकी डायग्राम जो है भाड़ में कोई लेना देना नहीं. क्या सीआरओ से क्या क्या नाप सकते हैं? वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज डिफरेंस. क्या नहीं नाप सकते? पावर. अच्छा, सीआरओ एक प्रकार से लीनियर डिवाइस या लीनियर इंस्ट्रूमेंट है, नॉन लीनियर क्वांटिटी हम नहीं नाप सकते इससे. दूसरा आता है सीआरओ का हर्ट किसको बोलते हैं? सीआरओ का हर्ट बोलते हैं सीआरटी को, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी को. फिर आता है लिसाजुअस पैटर्न, इसी में आता है, बस इतना याद रखो. लिसाजुअस पैटर्न इसी सीआरओ से रिलेटेड है, जो पैटर्न आपको दिखता है स्क्रीन पे, आपने कभी लैब में देखा होगा तो. ठीक है, बाकी की कहानी फिर उसके अंदर डीप में आप जाओगे तो वो मिलेगा. क्वेश्चन आता है सीआरओ का हर्ट क्या, तो आप बोलो क्या नहीं नाप सकते इससे? पावर नहीं नाप सकते. अच्छा, क्या नापते हैं इसे? एवरेज वैल्यू भी नाप सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी नाप सकते हैं, पीक टू पीक वैल्यू भी नाप सकते हैं, यानी एवरेज, आरएमएस, पीक वैल्यू सब नाप सकते हैं इससे. ट्रैक्शन होगा सुजीत, डोंट वरी, होगा ट्रैक्शन. अब आइए हम इसकी चर्चा करते हैं कि कैसे CRO वोल्टेज या करंट को नापता है. यह क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इनपुट या कोई भी वोल्टेज या करंट देते हो आप, तो उसको क्या करता है, एक सिग्नल के फॉर्म में दे देता है स्क्रीन पे. CRO की स्क्रीन आपने देखी होगी तो उस पर एक सिग्नल टाइप का कुछ दिखता है, दिखा होगा आपने कॉलेज में, आपने प्रयोग किया होगा लेबोरेटरी में जा करके, तो CRO में कम ज्यादा करके आपने देखा होगा ऐसे दिखता है कुछ, हरे कलर की लाइट दिखती है, नहीं दिखती है. बात आ रही समझ में? आइए देखते हैं. ये डायग्राम तो दिखाना है स्क्रीन पे. हाँ, ये जैसे मान लीजिए सीआरओ है, देख रहे हो आप, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सीआरओ में ये पैटर्न दिख रहा है ना आपको? सीआरओ में पैटर्न दिख रहा है? नहीं. अरे ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, ये पैटर्न बनता है. यू गिव इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू द सीआरओ एंड सीआरओ गिव्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सीआरओ को क्या दोगे आप? करंट देते हो, वोल्टेज देते हो, तो ये क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा, ये रिप्रेजेंटेशन देता है ग्राफ बना करके, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको. अगर मैं करंट या वोल्टेज नापना चाहूं मूविंग आयरन से या मूविंग क्वाइल से, तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्शन देकर के वैल्यू बताता है. अगर मैं करंट नापना चाहूं या वोल्टेज नापना चाहूं, मान लीजिए मूविंग आयरन से या मूविंग क्वाइल से, तो डिफ्लेक्शन देकर के वैल्यू बताता है 240 वोल्ट या 210 एम्पियर. यह डायरेक्ट वैल्यू नहीं बताता है, यह क्या करता है, उसकी इमेज दे देता है आपको, उसकी इमेज, उसका ग्राफ प्लॉट करके स्क्रीन पे दे देता है. अब ग्राफ को देख करके आप अंदाजा लगा लेते हो, क्योंकि जो बॉक्स बने होते हैं ना खाने खाने से दिख रहे हैं, उस खाने को नाप करके आप अंदाजा लगा लेते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम कितनी है, या टाइम पीरियड कितना है, या फ्रिक्वेंसी कितना है, ये सारी चीजें आप बता सकते हो. तो सीआरओ डायरेक्ट वैल्यू नहीं देता है, इट गिव्स द ग्राफ, इट गिव्स द इमेज. किसका? जो वोल्टेज नापना है वोल्टेज दे दो, उसकी इमेज दे देगा. करंट नापना है करंट दे दो, उसकी इमेज दे देगा. अच्छा सर, इमेज देता कैसे है, वही चर्चा हम करेंगे. जो करंट या वोल्टेज आप दोगे उसकी इमेज बना के दे देता है, उसी की चर्चा हम करेंगे. हटा दो इसको स्क्रीन से. हिमांशु बोले सर यू आर द बेस्ट, इलेक्ट्रिकल बिकम्स इजी व्हेन यू टीच. आइए देखते हैं इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे. अभी इस इतना मैंने लिखा है वो इसको साफ करने के बाद मैं लिख दूंगा. दो पार्ट में सीआरओ में लूंगा, एक आज और एक कल या परसों में. कल या परसों में चर्चा मैं लिसाजुअस पैटर्न की करूंगा और उस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है. आज मैं इसके बेसिक डायग्राम की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है. पार्ट वन एंड पार्ट टू, टुडे इज पार्ट वन. होता क्या है, ये सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब. ये एक ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब. हम करते क्या है,
इसमें सबसे पहले जान लो दो प्रकार की प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट होती है जो हॉरिजेंटल रखी होती है और एक होती है वर्टिकल। हटा दिया डायग्राम, आइए चर्चा करते हैं हम इसकी। ये हमारे पास एक ट्यूब है जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब सीआरओ का हिस्सा है, सीआरओ का दिल है ये। दिस इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द सीआरओ। ठीक है सर, होता क्या है इसमें, इसमें एक फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट को करंट देते हैं तो हीट होगा, राइट। ये फिलामेंट है, इसको करंट देंगे तो ये हीट होगा, और जब हीट होगा तो इसके पास एक कैथोड रखा हुआ है, कैथोड। कैथोड गर्म होगा, और जब गर्म होगा कैथोड तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसकी एक फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से समझ पाओ। देखिए ये एक फिलामेंट है, इसको करंट दोगे तो क्या होगा, ये फिलामेंट हीट होगा, और जब फिलामेंट हीट होगा तो इसके बगल में कैथोड रखी हुई है, कैथोड। कैथोड गर्म होगी, और जब कैथोड गर्म होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। क्वेश्चन आता है कि सीआरओ किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सीआरओ थर्मो आयोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे, थर्मो आयोनिक एमिशन, ये मैं लिख दे रहा हूं, थर्मो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो आयनिक एमिशन, इमिशन मतलब होता है उत्सर्जन, थर्मो आयनिक का मतलब टेम्परेचर से। थर्मो आयनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको करंट दिया तो करंट से क्या हुआ, ये फिलामेंट हीट हो गया, हीट हुआ तो इसने इस कैथोड को हीट कर दिया, तो कैथोड से फिर इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड से होते हुए, एक ग्रिड है, ग्रिड क्या होती है, एक सिलेंडर टाइप की होती है शेप में, उसमें होल बीच में बना होता है, एक सिलेंडर शेप में होती है, इस ग्रिड से होते हुए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अभी समझ में आएगा ग्रिड वगैरह क्या होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं और यहाँ स्क्रीन पे आके टकराते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के आते हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे आके टकराते हैं, और जब स्क्रीन पे आकर के टकराते हैं तो चमक पैदा होती है। ये स्क्रीन है, ये सीआरटी की क्या है, स्क्रीन। यहाँ पे हम फास्फर स्क्रीन है जिसपे हम कोटिंग करते हैं, मान लीजिए फास्फोरस की। यहाँ पे एक स्क्रीन है जो कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है एक तरीके से, कि जब इस पे आकर के इलेक्ट्रॉन टकराता है तो स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन टकराता है तो यहां पे लाइट जलती है, प्रदीप्ति पैदा होती है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन कम्स ऑन द स्क्रीन इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मतलब क्या, अरे स्क्रीन पे क्या होता है ना, आपको एक बिंदी सी दिखेगी, डॉट सा लाइट का दिखेगा जब इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा। हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आके टकरा रहा है, यहां पे एक डॉट दिख रहा है, तो ये स्क्रीन जो होती है फास्फर स्क्रीन होती है। इसके ऊपर मान लीजिए फास्फोरस की या फास्फर की कोटिंग की जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है, और जब इस पे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके आके टकराता है तो यहां पे एक चमक पैदा होती है। चमक पैदा होती मीन्स फ्लोरेसेंस की वजह से एक लाइट दिखाई देती है आपको, यानी इस स्क्रीन पे जब इलेक्ट्रॉन आके टकराता है तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, और आपको प्रकाश दिखता है, और जो प्रकाश दिखता है वही आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। आप बाहर से देखोगे ना ऐसे ऐसे जो बनता है वेवफॉर्म, वो डॉट डॉट करके जो बनता है वो कुछ और नहीं, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की बीम आकर के उस तरीके से पड़ रही होती है। बात आ रही समझ में, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहां पे टकराया, क्यों आपको एक रंग दिखाई दिया, क्योंकि यहां पे एक स्पेशल मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, और जब लेयर चढ़ा देते हैं तो लेयर चढ़ाने से इसमें जब इलेक्ट्रॉन आके टकराता है
तो टकराने के बाद एक चमक पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन टकराया तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है? थर्मो आयनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। थर्मो आयनिक एमिशन क्या होता है सर? अरे आप फिलामेंट को गर्म करोगे तो ये फिलामेंट से कैथोड गर्म होगा, और ये कैथोड गर्म होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और यही इलेक्ट्रॉन यहां पर आके टकरा के जाएंगे। अच्छा सर, इतनी कहानी तो समझ में आ गई कि सीआरओ का हर्ट होता है सीआरटी, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? थर्मो आयनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये फास्फर कोटेड स्क्रीन होती है जिसपे इलेक्ट्रॉन आके टकराता है तो लाइट दिखाई देती है। सर ये सब क्या बना रखा है बीच में? ये हमारे पास प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। ये वाली जो प्लेट्स हैं ये होती हैं हॉरिजेंटल प्लेट्स। हॉरिजेंटल प्लेट्स मतलब ऐसे, एक प्लेट ऐसे दूसरी प्लेट ऐसे, हॉरिजेंटल अरेंज होती हैं, हॉरिजेंटल। और इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन जो बीम आती है उसमें डिफ्लेक्शन करना। तो जो हॉरिजेंटल प्लेट है ना, ये इलेक्ट्रॉन बीम जब इनके बीच से गुजरेगी, मान लीजिए ऐसे दो प्लेट है, इलेक्ट्रॉन बीम बीच से गुजर रही है तो ऊपर या नीचे खींचने का काम अगर उस बीम को करना है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर ले जाना हो या नीचे ले जाना हो, ऐसे ऐसे ऊपर ले जाना हो नीचे ले जाना हो, ये काम करती है कौन सी? ये वाली प्लेट हॉरिजेंटल है, इसका अरेंजमेंट हॉरिजेंटल होता है, मगर इलेक्ट्रॉन बीम में डिफ्लेक्शन जो करती है वो वर्टिकल करती है, या तो ऊपर या तो नीचे, टॉप या बॉटम, वर्टिकल मूवमेंट करती है इलेक्ट्रॉन बीम में। अरे जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है, स्क्रीन में ऐसे तो दिखाई देता है आपको, मान लीजिए स्क्रीन है, स्क्रीन में ऐसे ऐसे नहीं दिखाई देता है आपको, यानी इलेक्ट्रॉन बीम ऊपर गई होगी फिर नीचे आई होगी फिर ऊपर फिर नीचे, तो इलेक्ट्रॉन बीम ऊपर नीचे आएगी जाएगी तभी, कब जाएगी? जब उसको कोई ऐसा कराने वाला होगा। तो इलेक्ट्रॉन बीम ऊपर जाए, इलेक्ट्रॉन बीम नीचे आए, ऊपर जाए नीचे जाए, ये काम करने का काम इस प्लेट का होता है। दिस इज हॉरिजेंटली अरेंज्ड, बट डिफ्लेक्शन की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन बीम में डिफ्लेक्शन वर्टिकल करती है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। दे आर अरेंज्ड हॉरिजेंटली but they are responsible for the vertical movement of electron beam. ये electron beam के vertical movement के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये है horizontal, बीच से, ये बीच से electron जाएगा तो electron क्या होगा? या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, खींच लेगा या नीचे या ऊपर, ऐसे vertical movement होता है electron beam का, जो electron beam इधर से गुजरेगी। अभी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा 3D में, 3D में भी डायग्राम दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, लेकिन पहले मुझे समझा लेने दो आप सारी चीज़ों को, तभी अच्छे से आएगा। तो ये हॉरिजेंटल प्लेट्स हैं, ऐसे हॉरिजेंटल, बीच से इलेक्ट्रॉन बीम गई, प्रकाश की किरण गई, अब उस इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर ले आना हो या नीचे ले आना, वर्टिकल वर्टिकल मूवमेंट करना हो तो ये प्लेट जिम्मेदार होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन करती हैं, बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स या वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या वर्टिकली अरेंज होती हैं? नहीं, अरेंज हॉरिजेंटली होती हैं, मगर मूवमेंट इलेक्ट्रॉन बीम में ऊपर नीचे नहीं, वर्टिकल करती हैं, ठीक है? जैसे देखो ऊपर गई नीचे गई, जो फाइनली स्क्रीन पे वेव फॉर्म बनती है। और यहां पे दो प्लेट्स होती हैं, ये कैसी होती हैं? इसको वाई प्लेट्स बोल देते हैं, इसको एक्स प्लेट्स आप चाहो तो बोल दो। ये वाई प्लेट्स हो गई, एक्स प्लेट हो गई, ये y और ये x, विकी बोले सर ये प्लॉट उल्टी है। नहीं उल्टी नहीं, सही है। क्या उल्टा लग रहा है विकी? देखो अब ये वाली जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स होती हैं वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब कुछ इस तरीके से, हॉरिजेंटल वाली प्लेट्स कैसे थी? वैसे थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे कर रही थी, यानी वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए जिम्मेदार थी। और वर्टिकल प्लेट्स जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, लाइक दिस, देख रहे हो आप, ऐसे ये वर्टिकल प्लेट्स हैं, लाइक दिस। अब वर्टिकल प्लेट्स होती तो वर्टिकल है, मगर इलेक्ट्रॉन बीम को खींचती किस तरफ है? ये ऊपर नीचे नहीं खींचेगी, या तो इधर खींचेगी या तो इधर खींचेगी। देखो मेरे सर को देखो, या तो इधर जाएगी इलेक्ट्रॉन बीम या तो इधर जाएगी, डिपेंड करता है इसके वोल्टेज वगैरह पे। ये प्लेट्स वर्टिकली अरेंज्ड है, मगर इलेक्ट्रॉन बीम का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, यानी हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन बीम का।
तो वर्टिकल प्लेट्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम का मूवमेंट जो कराती हैं वो इस तरीके से कराती हैं, हॉरिजेंटल, इसलिए इनको हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स बोलते हैं। हॉरिजेंटल बीम को मूव कराती हैं इसलिए इनको हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स बोलते हैं, है वर्टिकल मगर नाम क्या दे रखा है, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये प्लेट्स की स्पेलिंग गलत है, वो सही कर लेना आप, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। बात आ रही समझ में? तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। तो दो प्लेट्स आपके पास हैं, एक हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है और एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है। इस बात का ध्यान रखना, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो होती है वो वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजेंटल अरेंज्ड होती है, और जो वर्टिकल जो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है ये हॉरिजेंटल नहीं बल्कि वर्टिकल अरेंज्ड होती है। तो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजेंटल मूवमेंट कराती हैं, हॉरिजेंटल मतलब इधर इधर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और ये वाली जो प्लेट्स होती हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से इलेक्ट्रॉन को होती ऐसे हैं, ऊपर नीचे अप डाउन इस तरीके का मूवमेंट कराती हैं। बात आ रही समझ में? अब आइए देखते हैं, ये प्लेट्स हो गई वाई प्लेट, ये एक्स प्लेट, ये यहां पे एनोड होते हैं, तीन एनोड लगे होते हैं। एनोड का मतलब इनको प्लस, एनोड का मतलब तीन प्रकार का, तीन सिलेंडर टाइप का रिंग टाइप की होती है, एक रिंग दूसरी रिंग तीसरी रिंग। इसका वोल्टेज 1500, इसका वोल्टेज 1500, इसका वोल्टेज 500। इसको नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है प्री एक्सिलरेटिंग एनोड, इसका नाम दिया गया है प्री एक्सिलरेटिंग एनोड, और इसका नाम दिया गया है फोकसिंग एनोड, और इसका नाम दिया गया है पोस्ट एक्सिलरेटिंग एनोड। पोस्ट एक्सिलरेटिंग एनोड, प्री एक्सिलरेटिंग एनोड, एनोड का मतलब एक रिंग फॉर्म में है, एक सिलेंडर टाइप के यहाँ लगा हुआ गोल सा, ठीक है, गोल सा तो यहाँ बना नहीं, तो ऐसे हमने बना दिया। इसको प्लस 1500 वोल्टेज दिया जाता है, इसको प्लस 1500 वोल्टेज, इसको 500 वोल्टेज प्लस। और यहाँ पे जो आपकी ग्रिड होती है, ये जो ग्रिड दिख रही है ना, ग्रिड का वोल्टेज निगेटिव होता है। ये कैथोड ग्रिड है जो कि निकिल सिलेंडर की होती है, निकिल की बनी होती है। कई बार पूछ लिया जाता है ग्रिड किसकी बनी होती है, निकिल की बनी होती है। यह भी एक सिलेंडर टाइप का होता है, बीच में थोड़ी सी जगह होती है और इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इससे, आप बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो आपकी एनोड्स हैं ये, इनको प्लस वोल्टेज दे रखा गया है, प्लस 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 1500 प्लस 500 प्लस 1500। तो ये एनोड जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी, और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। या ये वाली भी जो एनोड है प्लस 1500 है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, खींचेगी अपनी तरफ। ये जो एनोड है तीनों पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ाने का काम करते हैं। टू इंक्रीज द स्पीड, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वी यूज एक्सिलरेटिंग एनोड। अब दो प्रकार के एक्सिलरेटिंग एनोड है, एक प्री एक पोस्ट। इसको बोलते हैं फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको बीम के फॉर्म में भेजने का काम किसका होता है? फोकसिंग एनोड का। बीम के रूप में समझ रहे हो आप? जैसे देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इतना चौड़ा सा, पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इतनी दूर में, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मगर अब आकर के यहां पे पतला होकर के किरण बन जाए और वो किरण सीधे जाकर के टकरा जाए जो स्क्रीन है सीआरओ की, उस पे सीआरटी की स्क्रीन के ऊपर। पूरा इलेक्ट्रॉन फैला हुआ आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन जाके सारा इलेक्ट्रॉन बिखर तो जाएगा नहीं स्क्रीन पे, उस पूरे इलेक्ट्रॉन को एक बीम के फॉर्म में फोकस्ड फॉर्म में करने के लिए हमने यूज किया है फोकसिंग एनोड का। फोकसिंग एनोड क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन की एक बीम बनाएगा, पतली सी किरण, और जाकर कैसे स्क्रीन पे मार देगा। कई बार आपने देखा होगा कुछ लाइट्स आती है नहीं रेड कलर की, आप शादियों में जाते हो या इधर उधर आप देखते हो तो रेड कलर की लाइट लोग ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, उसमें क्या होता है? बिल्कुल फोकस्ड लाइट होती है। ऐसे यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बिखरा बिखरा सा आ रहा है फोकसिंग एनोड के बाद, वो काफी पतला सा होकर के फिर यहां पे आके टकराएगा। तो फोकसिंग एनोड का काम होता है जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक बीम के फॉर्म में, एक किरण के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे आकर टकरा देना। और ये
ये एक्सिलरेटिंग एनोड, ये पोस्ट एक्सिलरेटिंग एनोड, पोस्ट मतलब बाद में, फोकसिंग के बाद में एक्सिलरेट किया इसने, इसलिए पोस्ट एक्सिलरेटिंग एनोड, और फोकसिंग के पहले ही एक्सिलरेट किया इसने, इसलिए इसको प्री एक्सिलरेटिंग एनोड बोला जाता है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, किसके पहले किसके बाद में, फोकसिंग करने के पहले, फोकसिंग करने के बाद में, यानी बी में कन्वर्ट करने से पहले एक्सेलरेट किया है, बी में कन्वर्ट करने के बाद एक्सेलरेट किया है। इसका 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 तीनों का वोल्टेज प्लस ही होता है, इसका इसका 1500, ओके, एक्सेलरेट करना है इस इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड के फॉर्म में। ये ग्रिड होती है, ग्रिड क्या करती है, अभी काम समझ में आएगा ग्रिड का आपको। इतनी कहानी समझ में आई आपको? प्रसून मंडल, अरविंद यादव, सुजीत सिंह, विकी सैनी, इंजीनियर दिलीप रॉक। अब देखिए, जो भी इनपुट सिग्नल है, ध्यान से देखो, जो भी इनपुट सिग्नल है, अच्छा पहले इतना डायग्राम आपको समझा देते हैं, फोटो लग गई, ये दिखाना है एक एक फोटो, इस फोटो को पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूं तब आगे बढ़ता हूं एक एक करके। सबसे पहले यही दिखाओ आप स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा जो फिलामेंट है वो, ताकि इसकी वर्किंग आप समझ पाओ और अच्छे से। देखिए, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने यहां पे मान लीजिए कोई सप्लाई दी, मान लीजिए जो ब्लैक कलर का दिख रहा है छोटा सा, मान लीजिए सप्लाई है, ठीक है, उस सप्लाई को हमने किसी क्वाइल या किसी फिलामेंट को दिया, ये फिलामेंट था, फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट दिख रहा है आपको, इस फिलामेंट को हमने करंट दिया ना, कोई सप्लाई, तो फिलामेंट से ये बगल में जो कैथोड है वो गर्म हो जाता है, और कैथोड जब गर्म होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो जो आपको लकड़ी का जैसा दिख रहा है ना पीला सा गोल सा, वो मान लीजिए कैथोड है, कैथोड भी नेगेटिवली चार्ज होता है, मान लीजिए कैथोड भी नेगेटिवली चार्ज और ग्रिड भी नेगेटिवली चार्ज होती है, दोनों नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होते हैं, ये तीनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये दोनों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होते हैं। मान लीजिए आपका एक कैथोड है, कैथोड गर्म हो जाता है, विवेक ऑल जेई की रहेगी 30 सितंबर तक, विवेक पांडे ऑल जेई 30 सितंबर। देखिए ये कैथोड है आपका, ये फिलामेंट गर्म हुआ तो कैथोड गर्म हो जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। आप देखो जो लकड़ी का जैसा लग रहा है ना वो कैथोड है, उसके पीछे क्या लगा है, फिलामेंट लगा है क्वाइल जैसी, वो जब क्वाइल गर्म होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये थर्मो आयनिक इमिशन, थर्मो आयनिक मीन्स थर्मो टेम्परेचर बढ़ा करके इलेक्ट्रॉन को इमिट कराया गया है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराया गया है, थर्मो आयनिक इमिशन, थर्मो टेम्परेचर बढ़ा के इलेक्ट्रॉन को इमिट कराया गया है, ये कहानी कैथोड, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है। अगली फोटो, ठीक है, अब जब कैथोड गर्म हो जाएगा फिलामेंट से तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अभी दिखेगा आपको। देखो आप थर्मो आयनिक इमिशन, अब जो आपकी कैथोड है वो गर्म हो गई, कैथोड आपकी क्या हो गई गर्म, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो गोल गोल से दिख रहे हैं ना दाने जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो गोल गोल से दिख रहे हैं दानों जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा कैथोड से वही इलेक्ट्रॉन जाकर के स्क्रीन पे टकरा रहा था, स्क्रीन पे टकरा रहा था और वहां पे जाके एक चमक दिखाई दे रही थी। थर्मो आयनिक इमिशन के सिद्धांत पे कार्य करता है सीआरओ। नेक्स्ट, ये तो वही है नेक्स्ट वाला, इसके
नहीं विवेक पांडे, चाहे जब नहीं, चाहे जब नहीं, 7 महीने तक नहीं रहेगी, अभी 30 सितंबर तक है। ये देखो आप, इसमें क्या है कि जो सीआरटी होता है अंदर वैक्यूम होता है, जो अंदर सीआरटी कैथोड रे ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर उत्सर्जित होके जा रहे हैं, इमिट होके जा रहे हैं, अगर एयर के पार्टिकल बीच में रहेंगे तो हो सकता है एयर के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराएं और इलेक्ट्रॉन की गति को कम कर दें। अगर इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ जा रहे हैं यहां से उत्सर्जित होकर के और उनके बीच में एयर के पार्टिकल अगर आ जाएंगे तो एयर के पार्टिकल से टकरा करके हो सकता है इलेक्ट्रॉन की गति कम हो जाए, इसलिए यहां बीच में एयर होती नहीं, बिल्कुल वैक्यूम लेते, निर्वात, एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं जिसमें यह सारा काम चलाया जाता है, निर्वात होता है ताकि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन जो है उससे कोई टकराने वाला, इलेक्ट्रॉन को कोई रोकने वाला ना हो। ये जो ट्यूब देख रहे हो आप, देखो क्या हो रहा है, एक तो फिलामेंट दिख रहा है आपको, उसको अलग से सप्लाई दी गई, फिलामेंट गर्म हुआ, फिलामेंट गर्म हुआ तो कैथोड गर्म हुआ, अब कैथोड गर्म होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखो नीचे पावर सप्लाई लिखी हुई है, माइनस प्लस, पावर सप्लाई का प्लस वाला हिस्सा जो जुड़ा है वो कैथोड से जुड़ा है, पावर सप्लाई का प्लस वाला जो हिस्सा है कैथोड से जुड़ा है। एक्चुअली डायग्राम में 3 कैथोड है मगर यहाँ पे भी एक ही दिखाया गया है, 3 कैथोड है मगर यहाँ पे भी आपको एक ही कैथोड दिखाया गया, एक कैथोड है और एक, सॉरी है 3 एनोड है, सॉरी 3 एनोड है मगर एक ही एनोड दिखाया गया है आपको, जो बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ है वो है आपका एनोड। अभी पिक्चर जो आपको दिख रही है उसमें सिर्फ एक ही एनोड है मगर एक्चुअली एक ही एनोड नहीं होता है, बल्कि जो शेप दिख रही है ना गोल सी, ऐसे 3 एनोड होते हैं। मैंने बताया था जैसे प्लस माइनस, प्लस वाला जो है एक एनोड, फिर दूसरा एनोड, फिर तीसरा एनोड, एक को बोला था प्री एक्सेलरेटिंग, एक को बोला था फोकसिंग और एक को बोला था पोस्ट एक्सेलरेटिंग। ये सिलेंडर के फॉर्म में कुछ होते हैं एनोड, आपको दिख रहा है जैसे, तो ये एनोड है, एक ही दिख रहा है आपको, ऐसे होता 3 है, प्लस से जुड़ा कैथोड, माइनस से जुड़ा है। अब आप बताओ जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव, और एनोड कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ एनोड तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड का उसको अपनी ओर खींचेगा, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इमिट होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन, एनोड की प्लेट जो है वो खींचेगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, ताकि इलेक्ट्रॉन गति पकड़ ले, स्पीड पकड़ ले। ये कहानी अंदर की दिख रही है, अंदर बिल्कुल वैक्यूम होता है, एयर पार्टिकल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, तो कहानी समझ में आ रही होगी एक एक स्टेप करके कि थर्मो आयनिक एमिशन पे कैसे कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, कैथोड नेगेटिव चार्ज था, कैथोड भी नेगेटिव होता है, ग्रिड भी नेगेटिव होती है, और फिर एनोड पॉजिटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। ये देखो आप, इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि एनोड के ऊपर प्लस चार्ज है, वो बैटरी के प्लस से जुड़ी है, खींच रही है इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है, ठीक है। ये एनोड जो है आपके, मान लीजिए प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड मान लो आप इसको, प्री, उसके बाद फोकसिंग एनोड लगा हो तो वो क्या करता है, जो बड़ी सी इलेक्ट्रॉन का एरिया है ना पूरा, ये इस इलेक्ट्रॉन को पतली सी बीम में कन्वर्ट करने का काम करता है फोकसिंग एनोड। नेक्स्ट, हाँ, राहुल बोल रहे हैं सर दोनों एनोड अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन स्टे कर जाएगा ना, नहीं,
एनोड सारा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इतनी जल्दी रुकेगा नहीं इलेक्ट्रॉन की, कोई चीज रोकना चाहेगा तो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक बार गति पकड़ के आ रहा है तो आगे बढ़ता ही जाएगा। हाँ, एनोड के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा तो उससे गति इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी। जैसे आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो आप, सबसे पहले आपको फिलामेंट दिख रहा है, फिलामेंट के बाद आपको एक कैथोड दिख रहा है, कैथोड दिख रहा है नहीं, कैथोड के बाद जो पीले कलर का दिख रहा है वो एक तरीके से ग्रिड है, जो हमने बताया था ना कि कैथोड ग्रिड होती है जो निकल सिलेंडर की बनी होती है, पीला वाला जो है वो कैथोड की ग्रिड है, ग्रिड है पीला वाला, वो भी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है बैटरी के। तो कैथोड हो या ग्रिड हो, दोनों का पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव। पीला वाला जो है वो ग्रिड है, अच्छा सर, और जो उसके पहले था आपका रेड कलर टाइप का दिख रहा है आपका, मान लीजिए वो आपका कैथोड है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला, ग्रिड से होता हुआ फिर जाता है एनोड के पास। दो सिलेंडर आपको दिख रहे हैं अभी, ऐसे तीन सिलेंडर होते हैं, पहला वाला जो है वो होता है एक्सिलरेटिंग, दूसरा वाला जो होता है वो होता है फोकसिंग, तीसरा वाला जो होता है पोस्ट एक्सिलरेटिंग। तो आप देखो जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है वो धीरे धीरे, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है फैले हुए, फिर कुछ देर बाद जाने के बाद वो पतली सी किरण के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो पतली सी किरण के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम बीच वाला एनोड कर रहा है, फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड क्या करता है? बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन को एक बीम के रूप में कन्वर्ट कर देता है। सो फोकसिंग एनोड कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रॉन इन टू द फॉर्म ऑफ ए बीम। प्री एक्सिलरेटिंग एनोड एक्सिलरेट्स द इलेक्ट्रॉन आफ्टर दे आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। पोस्ट एक्सिलरेटिंग एनोड क्या करता है? वंस इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ ए बीम, नाउ दैट बीम इज एक्सिलरेटेड विद द हेल्प ऑफ पोस्ट एक्सिलरेटिंग एनोड। ग्रिड क्या है? ग्रिड यहां पर लगी होती है, सबसे पहले ग्रिड लगी होती है, ग्रिड का काम क्या है अभी बताएंगे। और आगे आप देखो दोनों एनोड प्लस टर्मिनल से जुड़े हैं, देखो सप्लाई का प्लस से दोनों एनोड जुड़े हुए हैं, दोनों जो सिलेंडर के फॉर्म में हैं। नेक्स्ट, अब आगे आपको दिखेगा, अभी ग्रिड का फंक्शन बता रहे हैं राहुल, अभी ग्रिड का फंक्शन बताएंगे, वो भी नहीं बताया आपको, आई विल एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ग्रिड। ये देखो आपकी प्लेट्स हैं, प्लेट्स देख रहे हो आप, एक है जो हॉरिजेंटल प्लेट्स हैं, देखो जिसको वाई प्लेट करें वो क्या है? हॉरिजेंटल। और हॉरिजेंटल प्लेट्स जो हैं उसके बीच से इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, तो क्या करेंगी वाई प्लेट्स? वाई प्लेट्स मीन्स हॉरिजेंटल प्लेट्स, ये इलेक्ट्रॉन बीम को या तो ऊपर खींच सकती हैं या तो नीचे खींच सकती हैं। तो जो वाई प्लेट्स हैं जिनका अरेंजमेंट हॉरिजेंटल है, ये इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर या नीचे, अप डाउन, वर्टिकल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन बीम का कराती हैं वाई प्लेट्स, वर्टिकल मूवमेंट्स, अप या डाउन। अब अप या डाउन मूवमेंट को वर्टिकल मूवमेंट बोल सकते हैं। तो वाई प्लेट्स या हॉरिजेंटल प्लेट्स इलेक्ट्रॉन का वर्टिकल मूवमेंट कराती हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम आपकी जाती है एक्स प्लेट के पास। एक्स प्लेट जो होती हैं, अगर आप उनका अरेंजमेंट देखोगे तो उनका अरेंजमेंट होता है वर्टिकल, उनका अरेंजमेंट होता है वर्टिकल, और ये वर्टिकल अरेंजमेंट होता है किसका? एक्स प्लेट का। मगर ये इलेक्ट्रॉन बीम को कैसे खींचती हैं? या तो ऐसे ऐसे खींचेंगे, यानी इधर या इधर, लेफ्ट राइट मूवमेंट, यानी हॉरिजेंटल मूवमेंट, यानी प्लेट्स हैं वर्टिकल मगर इलेक्ट्रॉन बीम का मूवमेंट कराती हैं लेफ्ट राइट यानी हॉरिजेंटल प्लेन में, इसलिए इनको हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स बोला जाता है। तो जो एक्स प्लेट्स हैं वो होती हैं वर्टिकली मगर इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन करती हैं हॉरिजेंटली, इसलिए बोलते हैं हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन करती हैं मगर होती हैं वर्टिकली प्लेस्ड। ये दो प्लेट्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन बीम गई ऊपर नीचे ले जाना हो या इधर इधर ले जाना हो, इस मूवमेंट के लिए प्लेट्स लगी हैं, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन प्लेट्स। बात आई समझ में? नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो अंदर पूरा सीआरओ के क्या वर्किंग है, क्या कहानी है। अगला,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपका कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, वो पहुंचा ग्रिड के पास, फिर ग्रिड से होते हुए दो एनोड दिखा रखा है, एक्चुअली तीन एनोड होते हैं, कई बार फोकसिंग एनोड को गायब कर दिया जाता है, तीन एनोड होते हैं, दिखा दो रखा है, उससे होते हुए फिर आपकी हॉरिजेंटल प्लेट से गुजरता है, फिर वर्टिकल प्लेट से गुजरता है, फिर उसके बाद सीधे चला जाता है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे फॉस्फर के या फॉस्फरस की कोटिंग होती है जिससे प्रदीप्ति होती पैदा, फ्लोरेसेंस पैदा होता है, एक चमक पैदा होती है, और इससे आपका जो भी वेवफॉर्म है करंट या वोल्टेज वो एक सिग्नल के फॉर्म में दिखाई देने लगती है। यहां पे देखो डायग्राम में आप दिख रहा है, सबसे पहले फिलामेंट गर्म हुआ, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले ग्रिड से होते हुए, फिर दो एनोड दिखा रखा, तीन नहीं दिखा रखा, दो एनोड से इलेक्ट्रॉन गए, फिर हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, फिर वर्टिकल प्लेट्स हैं, उसके बाद आपके चले गए कहाँ पे, वो स्क्रीन पे। और कोई है? ये कहानी है आपकी सीआरटी की। हाँ हो गया। अब आइए हम एक एक करके इसमें और चर्चाएं करते हैं। ये सारी फोटोज इसलिए दिखाई गई ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो पाए। ये प्लेट्स ग्रिड, ग्रिड का काम क्या होता है ये देखते हैं। ग्रिड का क्या काम होता है? ग्रिड नेगेटिव पोटेंशियल पे होती है। ग्रिड जो होती है ना, एक रिंग टाइप की भी होती है, एक सिलेंडर टाइप में, निकल का सिलेंडर आपने देखा था अभी। ग्रिड का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है और वहां पे स्क्रीन पे टकराता है और वहां पे चमक दिखाई देती है। जो ब्राइटनेस है स्क्रीन पे, उस ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रिड का। ग्रिड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? टू कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो चमक है उसको कम या ज्यादा करने के लिए। कैसे? देखो, हमने कहा ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, इसका भी पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव। कैथोड का भी नेगेटिव, ग्रिड का भी नेगेटिव, बाकी का पॉजिटिव। अगर इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होकर के आएंगे ग्रिड के पास और इस होल से होकर के बाहर जाएंगे। अगर ग्रिड का पोटेंशियल नेगेटिव है तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होकर के आएंगे कैथोड से, ग्रिड का पोटेंशियल नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन और ग्रिड के बीच में रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर आएंगे, ये ग्रिड है, तो ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो कम इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। तो अगर ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल काफी ज्यादा कर दिया आपने, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्सन लगेगा, तो कम इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, और कम इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो स्क्रीन पर ब्राइटनेस कम होगी। और अगर ग्रिड का पोटेंशियल नेगेटिव है मगर नेगेटिव में काफी कम है, नेगेटिव ही है मगर नेगेटिव में काफी कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके ऊपर ज्यादा रिपल्सन नहीं लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके ऊपर ज्यादा रिपल्सन नहीं लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से इसको क्रॉस करते हुए फिर आगे निकल जाएंगे। तो अगर इसका पोटेंशियल होता तो नेगेटिव में, अगर कम नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे और जो आपकी लाइट दिखेगी स्क्रीन पे उसकी ब्राइटनेस होगी ज्यादा। तो ग्रिड का काम है टू कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑन द स्क्रीन। इफ नेगेटिव पोटेंशियल इज वेरी स्मॉल, द इलेक्ट्रॉन विल मूव वेरी इजिली एंड द ब्राइटनेस विल बी मोर। और अगर इसका पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा है, नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा नहीं पास हो पाएगा, तो ब्राइटनेस कम होगी। देखिए इसका फायदा क्या है ग्रिड का? इलेक्ट्रॉन यहां से आया, किसी तरीके से इसको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इसके पास कुछ ना कुछ होगी, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से कैथोड ग्रिड को तो क्रॉस कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब ग्रिड को क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ग्रिड के ऊपर भी नेगेटिव पोटेंशियल, ये ग्रिड इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, ये ग्रिड इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी शुरू में थोड़ा सा बस व्यवधान होगा ग्रिड की वजह से, मगर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ग्रिड पे भी नेगेटिव पोटेंशियल, रिपेल करेगा ग्रिड इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे। तो ग्रिड का काम एक तरीके से ये है टू कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑन द स्क्रीन। इतनी कहानी जो बताई है समझ में आई है या नहीं?
अब आप ये बताइए, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन यहां पे आके टकराता है और चमक पैदा होती है। अब इसको हम कभी ऊपर चमक पैदा करना चाहे, नीचे चमक पैदा करना चाहे, ऊपर नीचे, तो उसके लिए ये और ये प्लेट जिम्मेदार होती है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ऊपर या नीचे चमक हो जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, या बिंदु जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए प्लेट्स जिम्मेदार होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर नीचे या इधर उधर मूव करा सकती हैं। तो जो फोकसिंग होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्क्रीन पे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। क्वेश्चन आता है सीआरओ में जो सीआरटी होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में जो आप कैथोड रे ट्यूब यूज करते हो उसमें कौन सी फोकसिंग यूज करते हैं, मींस स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन को ले जा करके टकराना और प्रदीप्ति पैदा करना, चमक पैदा करना, इसमें किस मेथड का इस्तेमाल होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों? क्योंकि किसी का पोटेंशियल नेगेटिव है, नेगेटिव है किसी का पॉजिटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल करके हमने इलेक्ट्रॉन को तेजी के साथ एक्सेलरेट करा के लेके गए और वहां पे लेके टकरा दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग होती है। टेलीविजन जो आपका होता है, जो टीवी आप घरों में यूज करते हो, वहां पे ग्राफ नहीं बनता है बल्कि इमेज बनती है, पिक्चर। आप टीवी देखते हो तो मूवी देखते हो या टीवी देखते हो तो आपको इमेज दिखाई देती है ना। तो जो टीवी में, टेलीविजन में आपकी जो सीआरटी होती है कैथोड रे ट्यूब, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग होती है। टेलीविजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग होती है, वो खैर हमें नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीआरओ जो यूज करते हैं हम एज एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव वोल्टेज करके हमने फोकसिंग का काम किया है, इलेक्ट्रॉन यहां से आके वहां पे टकराया है। तो सीआरओ में जो सीआरटी होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, टेलीविजन में जो सीआरटी होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग का इस्तेमाल करते हैं। सीआरटी को बोलते हैं हार्ट ऑफ द सीआरओ, इसका यूज करते हैं सीआरओ, सीआरओ का वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड फेज डिफरेंस फेज शिफ्ट नापने के लिए, इससे मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू सब कुछ मेजर कर सकते हैं। यू कांट मेजर पावर, राइट? बात आ रही समझ में या नहीं? ये जितना समझाया इसमें कोई डाउट है तो बताइए। कुछ पॉइंट्स में लिखूंगा लेकिन डायग्राम मिटाने के बाद, अभी नहीं। अब आइए देखते हैं कि कैसे पूरा सीआरओ क्या होता है। अभी तो हमने सीआरटी की चर्चा की, कैथोड रे ट्यूब की। धीरेन्द्र बाबू, बिट्टू का कहना है सर आईटीआई वाले पढ़ सकते हैं, आईटीआई वाले पढ़ सकते हैं मगर उतना डिटेल में आईटीआई वालों को नहीं पढ़ना, आईटीआई वालों के लिए 4-5 लाइन ही काफी है, अंदर की पूरी वर्किंग उनके इतने डिटेल में नहीं पढ़नी है आईटीआई वालों को। सीआरओ के बारे में 3-4 लाइन काफी है बस, और पूरा नहीं। तीन चार लाइन की सीआरटी को हर्ट बोलते हैं, सीआरओ का क्या नापते हैं, बस खत्म कहानी। देखिए ये इनपुट सिग्नल है, जो करंट या वोल्टेज हमको नापना है, जो करंट या वोल्टेज हमको नापना है हमने यहां पे दिया। मेरे पास बार बार कमेंट आ रहा है सर यूपीपीसीएल में वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आपकी अभी कौन सा महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, मई जून जुलाई में से किसी महीने में भी आ सकती है, मई में जून में जुलाई में किसी भी महीने आ सकती है वैकेंसी यूपीपीसीएल में, टीजी टू और जेई की, आगे पीछे 10-15 दिन एक महीने आ जाएगी दोनों की, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी सॉलिड होनी चाहिए। देखो जो भी इनपुट वोल्टेज मेजर करना है हमने यहाँ पे दे दिया, जो भी इनपुट वोल्टेज नापना है उसको हमने यहाँ पे दे दिया इनपुट सिग्नल। यहाँ पे है वर्टिकल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, ये सिग्नल को इनक्रीज कर देता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है ताकि हमारी जो स्क्रीन पे डॉट बने या लाइटिंग आए वो ठीक ठाक आए। वर्टिकल एम्पलीफायर होता क्या है, देखो वर्टिकल एम्पलीफायर को ले जाकर के हम यहां पे देते हैं किसको, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को ले जाकर के इसका आउटपुट देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल। और एम्पलीफायर क्यों, आने वाला सिग्नल हो सकता है बहुत स्मॉल हो वीक हो तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हमने वर्टिकल एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद
यहां से आउटपुट ले गए, एक इस प्लेट पे जोड़ दिया, एक इस प्लेट पे जोड़ दिया, और एक डिले टाइम लगा। इसका क्या मतलब है बताते हैं, यानी जो इनपुट सिग्नल है, एक सिग्नल को, इनपुट सिग्नल जो है उसको लिया करके इस प्लेट को दे दिया, वाई प्लेट को, यानी जिस सिग्नल को मेजर करना है, जिसका ग्राफ आपको चाहिए, जिसका ग्राफ आपको चाहिए, उसको आपने यहां पे दिया और फाइनली आ गया वाई प्लेट के अक्रॉस। वाई प्लेट के अक्रॉस आपको मिल गया क्या, जो अननोन वोल्टेज था जिसको नापना था, वो चला गया वाई प्लेट के अक्रॉस। देखो ठीक है, डिले टाइम का मतलब बताते हैं। अब वर्टिकल एम्पलीफायर से यहां पे हमारे एक दो तीन तीन चीज लगी, एक ट्रिगर सर्किट, एक टाइम बेस्ड जनरेटर और एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। इसका क्या काम होता है उसको छोड़ो अभी। ऐसे आया, इससे 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 गुजर करके ये कहां जा रहा है, देखो ये जा रहा है इसके पास, इसके पास जा रहा है। ये प्लेट्स कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पास जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं यहां पे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर इसलिए क्योंकि सिग्नल जो आ रहा है उसको स्ट्रेंथ, मान लीजिए वीक है, उसको स्ट्रांग करना है, बढ़ाना है, एम्पलीफाई करना है, तो हमने एक एम्पलीफायर का यूज कर दिया। और हॉरिजॉन्टल नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जो सिग्नल जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पास जा रहा है, ये सिग्नल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पास जाएगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। और ये वाला जो सिग्नल है ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के पास जाएगा, इसलिए वर्टिकल एम्पलीफायर। अब देखो आप, हमारी कोशिश ये होती है कि जो वाई प्लेट्स हैं और जो एक्स प्लेट्स हैं उनको जो इनपुट मिले वो एक साथ मिले, एक समय पे मिले। हमारी कोशिश यह होती है कि जो इसको इनपुट मिले और इसको इनपुट मिले वो एक साथ मिले। अगर अलग अलग टाइम पे इनपुट मिलेगा तो आपकी जो स्क्रीन पे वेवफॉर्म आएगी वो करेक्ट नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो जो ग्राफ आ रहा हो स्क्रीन पे वो सही आए, करेक्ट आए, तो उसके लिए जो आपकी वाई प्लेट है, जो आपकी एक्स प्लेट है, इन दोनों पे मिलने वाला जो आने वाला सिग्नल है वो एक साथ आना चाहिए। ऐसा कब होगा, यहां पे तो वर्टिकल एम्पलीफायर आपने दिया, आउटपुट मिल गया यहां पे, ये सीधे वाई प्लेट में चला जा रहा है, और यहां पे आने के बाद एक दो तीन तीन लोगों से गुजर करके जाएगा इसके पास, तो यहां पे डिले नहीं होगा। तो यहां पे अगर डिले टाइम ना लगा होता तो ये तो वाई प्लेट पे बहुत जल्दी पहुंच जाता, यहां से निकला वाई प्लेट पे पहुंच गया क्योंकि और कुछ है ही नहीं, और इसको इससे गुजरना, इसको गुजरना, इससे गुजरना, इन तीनों का कुछ ना कुछ डिले टाइम होगा। इस डिले टाइम, आपने लॉजिक गेट पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि किसी भी लॉजिक गेट को जब इनपुट देते हैं तो कुछ समय के बाद ही आउटपुट मिलता है, एंड दैट इज द डिले टाइम। जैसे मान लीजिए इनपुट दिया आपने, अब 0.1 सेकंड के बाद आउटपुट मिला, तुरंत नहीं मिला, दैट 1.1 सेकंड इज कॉल्ड डिले टाइम। कोई लॉजिक गेट है, इनपुट दिया मगर तुरंत आउटपुट नहीं मिला, 0.1 सेकंड के बाद आउटपुट मिला, दैट 0.1 सेकंड इज कॉल्ड डिले टाइम। तो यहां पे कुछ डिले टाइम इसका होगा, ऐसा नहीं कि इनपुट देते तुरंत आउटपुट मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप खाना खाते हो तुरंत एनर्जी मिल जाती है क्या? इट टेक्स सम टाइम। आप खाते हो, खाना पचता है, एनर्जी फिर मिलती है कुछ देर में जा करके, आपका इसका कुछ डिले टाइम होगा, कुछ डिले टाइम इसका होगा, कुछ डिले टाइम इसका होगा, यानी इनपुट देने और आउटपुट मिलने में कुछ समय अंतराल लगता है। इन तीनों का जो डिले टाइम है तो उसके चक्कर में तो यहां से जो वेवफॉर्म आई यहां पे जो पहुंचेगी वो देर से पहुंचेगी और यहां पे जो पहुंचेगी तुरंत पहुंच जाएगी। तो ऐसा ना हो यहां पे जो वेवफॉर्म पहुंचे और यहां पे जो वेवफॉर्म पहुंचे दोनों एक ही समय पे पहुंचे, इसलिए जानबूझ के यहां पे हमने डिले टाइम लगा दिया। डिले टाइम का मतलब यहां पे डिले करा दिया कुछ समय का, कितना डिले कराया, जितना डिले तीनों मिल करके लगाएंगे उतना ही डिले टाइम यहां पे लगा दिया। मींस एक ऐसा अरेंजमेंट यहां पे किया जिससे आने वाला सिग्नल कुछ समय के बाद बाहर निकल पाए। तो यहां से तो आउट मिल गया, ये यहां से आके डिले होगा तीनों का मिला के, ये यहां पे जाएगा, कुछ डिले टाइम होगा इसमें कुछ समय के बाद, जिसका डिले टाइम 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड के बाद यहां पे आउटपुट आएगा। यहां पे इनपुट आ गया मगर आउटपुट तुरंत नहीं मिलेगा, 5 सेकंड के बाद यहां पे आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट फिर ऐसे आएगा और वाई प्लेट्स पे मिल जाएगा। तो वाई प्लेट्स पे मिलने वाला इनपुट और एक्स प्लेट पे मिलने वाला इनपुट दोनों एक ही समय पे मिलेंगे। आई वॉन्ट दैट बोथ द इनपुट एट एक्स एंड वाई प्लेट शुड कम एट द सेम टाइम। एक्स और वाई प्लेट पे इनपुट एक ही समय पे पहुंचना चाहिए, एक ही समय पे पहुंच जाए, आगे पीछे ना हो जाए, कोई टाइम का गैप ना हो जाए। इसको खत्म करने के लिए टाइम गैप को हमने डिले टाइम का इस्तेमाल कर लिया। डिले टाइम, ये वर्टिकल एम्पलीफायर, बात समझ में आई? उसके बाद देखो जरा, ये डिले टाइम तो डिले प्रोवाइड करने के लिए था, आपका वाई प्लेट पे मिल गया, यानी जो अननोन सिग्नल है जिसको नापना था
वाई प्लेट पे दे दिया गया डिले टाइम से पास होने के बाद। फिर यहां पे जो सिग्नल आया, एक है ट्रिगर सर्किट, दूसरा टाइम बेस्ड जनरेटर, तीसरा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या करता है, ये कुछ और नहीं बल्कि जो सिग्नल जाता है वाई एक्स प्लेट्स पे उसकी वैल्यू को, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करता है, टाइम बेस्ड जनरेटर को हम स्वीप जनरेटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, सॉ टूथ वेव फॉर्म क्रिएट करता है या रैंप इनपुट देता है। इसका आउटपुट जो होता है रैंप होता है, रैंप आउटपुट देता है या सॉ टूथ वेव फॉर्म। सॉ टूथ मीन्स आरी के किनारों जैसा, नोक जैसा, जैसे आरी है ना जिसको बढ़ई यूज करते हैं, कैसी होती आरी, ऐसे होते हैं उसके दांत जो होते हैं। तो टाइम बेस्ड जनरेटर या स्वीप जनरेटर जो होता है इसकी वेवफॉर्म कुछ सॉ टूथ शेप पे, तो इसको स्वीप जनरेटर ही बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या मकसद है, देखो जो हमारी वेवफॉर्म स्क्रीन पे आएगी, वेवफॉर्म स्क्रीन पे कैसे वेरी करती है, देखो ये एक्स एक्स, ये टाइम एक्सिस है मान लीजिए, और ये वोल्टेज एक्सिस है, ये वोल्टेज है, टाइम है, वेवफॉर्म ऐसे आ रही है मान लीजिए कुछ ऐसे, ये टाइम एक्सिस है, ये वोल्टेज एक्सिस है, तो इसमें कैसे वेरिएशन हुआ ऊपर नीचे वो कहानी तो अलग है, मगर टाइम एक्सिस में भी आपकी वेवफॉर्म आगे बढ़ती रहे। वेवफॉर्म को दो प्रकार से आगे बढ़ना है, एक तो इस एक्सिस की दिशा में आगे बढ़ते जाना है और एक ऐसे ऊपर नीचे भी होते जाना है, तभी तो आगे बढ़ेगी। आपने देखा होगा सीआरओ में वेवफॉर्म ऐसे रहती है, ये ऊपर नीचे तो है, उसके अलावा इस डायरेक्शन में भी वेवफॉर्म आगे बढ़ती जाए, टाइम एक्सिस जो है उस डायरेक्शन में भी। तो टाइम एक्सिस में वेवफॉर्म को आगे बढ़ाने का काम अगर देखा जाए, टाइम एक्सिस में वेवफॉर्म को आगे बढ़ाने का काम अगर देखा जाए तो वो होता है इसका टाइम बेस जनरेटर, यानी टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए या टाइम वाली दिशा में वेवफॉर्म आगे पीछे कैसे हो रही है या आगे पीछे वो भी चेंज हो, ये सब बताने के लिए टाइम बेस्ड जनरेटर या स्वीप जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर खैर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, बस जान लीजिए आप इसकी वर्किंग। क्वेश्चन जो आता है वो भी मैं लास्ट में लिख दूंगा, टाइम बेस्ड जनरेटर या स्वीप जनरेटर, कि वेवफॉर्म ऐसे ऐसे चेंज तो हो रही है लेकिन साथ साथ एक्स एक्सिस में, टाइम एक्सिस में भी सिग्नल आगे बढ़ रहा है ना, वो बढ़ाने के लिए कौन यूज करेगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा टाइम बेस्ड जनरेटर। ठीक है, खैर इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ट्रिगर सर्किट क्या है, ट्रिगर सर्किट जो होता है ये ट्रिगर करने का काम करता है, किसको ट्रिगर करने का काम, देखो यहां से सिग्नल आया ट्रिगर सर्किट के पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फाइनली यहां पे जाके डॉट बन जाता है या कलर दिखाई देता है आपको। अब जो वेवफॉर्म यहां से इनपुट आया और यहां पे कलर दिखाई दिया, ये जो कलर है ये कलर कितना गाढ़ा या कितना हल्का है, उस कलर की एक तरीके से मान लीजिए ब्राइटनेस को या कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ट्रिगर सर्किट का। जो स्क्रीन पे बन रहा है डॉट या लाइट बन रही है, उस लाइट की स्ट्रेंथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत मध्यम है या बहुत तेजी के साथ दिख रही है, तो अगर बहुत मध्यम है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत होगी। ये काम हम कर सकते हैं ट्रिगर सर्किट से, बस इतना जानो आप। जो ट्रिगर सर्किट है इसका काम होता है ट्रिगर करने का, किसको ट्रिगर करने का, जो वेवफॉर्म, जो आपका ग्राफ बन रहा होगा स्क्रीन पे, उस ग्राफ को एक तरीके से ऑब्जर्व करने का काम, और ऑब्जर्व करने के बाद क्या वो वेवफॉर्म बहुत लाइट है या बहुत ब्राइट है, कैसी है। अगर बहुत लाइट है तो उसको ब्राइट करने का काम, उसको एनर्जाइज करने का काम या ट्रिगर करने का काम इस ट्रिगर सर्किट का होता है। ट्रिगर सर्किट का काम होता है इसका मतलब टू ट्रेस द आउटपुट ऑन द स्क्रीन ऑफ द सीआरटी, टू ट्रेस द आउटपुट ऑन द स्क्रीन ऑफ सीआरटी मीन्स सीआरटी की स्क्रीन पे जो आउटपुट मिला है, जो प्रदीप्ति मिली है, उसको ट्रेस करना। ट्रेस करना मीन्स उसका अनुमान लगाना या उसका पता लगाना कि क्या जो लाइट दिख रही है उसका पता लगाना, अनुमान लगाना वो सही दिख रही है या नहीं, वो काम होता है ट्रिगर सर्किट का। यू कैन ट्रिगर फ्रॉम हियर। टाइम बेस जनरेटर वेवफॉर्म टाइम एक्सिस में भी आगे पीछे बढ़े, या स्वीप जनरेटर इसका काम होता है सिग्नल को, स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। तो हमने सबकी थोड़ी थोड़ी वर्किंग ही बता दी, वर्किंग बतानी जरूरी थी, मगर डायरेक्ट यहां से जो डायग्राम बना है बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका लिसाजुअस पैटर्न पे,
लिसाजियस पैटर्न पे अगर आप देखोगे अच्छे एग्जाम में, लाइक ए वगैरह का एग्जाम आपने दिया या और कोई अच्छा एग्जाम दिया असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह के लिए, कई बार जेई के एग्जाम में भी आ जाता है, उस पर क्वेश्चन आता है। बाकी तो आईटीआई के लिए कई बार लिसाजियस पैटर्न का नाम ही काफ़ी होता है कि लिसाजियस पैटर्न कहाँ बनता है, कैसे बनता है, दैट्स इट। सीआरओ में बनता है लिसाजियस पैटर्न। और अगर आपको सिर्फ दो तीन लाइन याद रखनी हो सीआरओ में, तो आपको ये याद रखना है, क्या मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ अभी, इसकी वर्किंग में एक रफ अंदाजा आपको लगा होगा, समझ में नहीं आया तो बताइए मिटाने से पहले। मयंक बोल रहे हैं सर आईटीआई के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं आईटीआई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मयंक के, बिल्कुल भी नहीं। अंकुल यादव भी हमारे साथ हैं, इसकी वर्किंग में कोई डाउट हो तो बताइए। इसकी वर्किंग पे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन लिसाजियस पैटर्न पे आता है, अगर आएगा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन इस पे तो, अदरवाइज वन लाइनर आएगा तो वो तो आपने देख लिया। जयंता मंडल हमारे साथ हैं, स्वागत है जयंता आपका। अनिल राज बोल रहे हैं एडमिट कार्ड नहीं आया सर, एचएससी का आ जाने वाला था। रेड कहानी का कहना सर टेस्ट सीरीज बता दो। टेस्ट सीरीज आप कोई भी ज्वाइन कर लो, जो भी आपकी को दिख जाए, आप टेक्स्ट बुक की देख सकते हो, ग्रेड अप की देख सकते हो, आप किसी की भी एक टेस्ट सीरीज लो और उसको सॉल्व करो, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज को करो, आपको अंदाजा लग जाएगा। अब आइए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, अब मैं दो चार लाइनें लिखूंगा, उन लाइंस को याद रखना आप, आपका काम हो जाएगा। देखिए सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज ए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर भी आप मान सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर कहने को कहते हैं लोग, लेकिन सिर्फ वोल्टेज नहीं नापते हैं इससे, विच इज यूज्ड टू मीजर वोल्टेज कामा करेंट कामा फ्रीक्वेंसी कामा टाइम पीरियड, यूज टू मेजर वोल्टेज कामा करंट कामा फ्रीक्वेंसी कामा टाइम पीरियड कामा फेज डिफरेंस या फेज शिफ्ट ऑब्लिक फेज डिफरेंस। बात एक ही है, सीआरओ एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर बोल सकते हैं इसको, जिससे हम वोल्टेज नाप सकते हैं, करंट नाप सकते हैं, फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं, टाइम पीरियड नाप सकते हैं। भाई फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/ टाइम पीरियड होता है, एक पता चल गई तो दूसरा हम पता कर ही लेंगे, ठीक है। सीआरओ से आप पावर नहीं नाप सकते, पावर कैन नॉट बी मेजर्ड With the help of CRO. अब CRO क्या क्या मेजर कर सकता है, इट कैन मेजर एवरेज वैल्यू कामा आर एम एस वैल्यू
कॉमा एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू कॉमा पीक वैल्यू या पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक का मतलब ये होता है, जैसे अगर कोई वेवफॉर्म ऐसे है, पीक टू पीक का मतलब कोई वेवफॉर्म अगर ऐसे है तो ये पीक और ये पीक, इसके बीच का पूरा वैल्यू पता करने के लिए पीक टू पीक, यानी इस पूरी वैल्यू, ये पीक टू पीक। पीक टू पीक वैल्यू या पीक वैल्यू, पीक वैल्यू का मतलब सीधे केवल इतना, पीक वैल्यू का मतलब होता केवल इतना, पीक टू पीक का मतलब ये पीक और दूसरा पीक, यहां से यहां तक कितना वैल्यू है पूरा, जो पीक वैल्यू है उसका डबल कर दो तो पीक टू पीक मिल जाएगा नॉर्मली। तो पीक टू पीक वैल्यू या पीक वैल्यू आरएमएस एवरेज सब नाप लेता है ये। फिर क्वेश्चन आता है कि सीआरओ का हार्ट किसको बोलते हैं, तो सीआरओ का हार्ट होता है सीआरटी। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब इज कॉल्ड हार्ट ऑफ सीआरओ, ठीक है। फिर फॉस्फर स्क्रीन इज यूज्ड, या लिख सकते हैं स्क्रीन इज कोटेड, एक लेयर चढ़ाई जाती है, स्क्रीन इज कोटेड विद फॉस्फर टू प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, चमक या प्रदीप्ति पैदा करने के लिए, प्रदीप्ति या चमक। हम क्या करते हैं, एक फॉस्फर की कोटिंग कर देते हैं स्क्रीन पे, ये है व्हाट इज हार्ट ऑफ सीआरओ सीआरटी। क्या क्या नापते हैं, पावर नहीं नापते हैं, फ्रीक्वेंसी नापते हैं, हाँ जी सीआरओ से फ्रीक्वेंसी नापते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स टकराता है ऑन स्क्रीन देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन देखो तीन पार्ट में बटा हुआ है आपका सीआरओ, एक तो इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और तीसरा स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम होता है, यूज्ड टू इमिट द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गन। अरे गन का मतलब क्या होता है, बंदूक से चलाओगे तो गोली निकलेगी या नहीं, और गोली बहुत तेजी के साथ जाती है, बंदूक से चलाओगे तो क्या निकलेगी, गोली बहुत तेजी के साथ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन यानी ऐसी बंदूक है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ पे गोली नहीं निकलती जानलेवा बल्कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो जाके स्क्रीन पे टकराते हैं। तो आपने फिलामेंट लिया था, कैथोड लिया था, फिर ग्रिड लिया था, फिर तीन एनोड लिया था, प्री एक्सेलरेटिंग, फोकसिंग और फिर पोस्ट एक्सेलरेटिंग, इन पूरे अरेंजमेंट को यानी फिलामेंट को, कैथोड को, ग्रिड को और तीनों एनोड को, इन सब को मिला करके हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इस इलेक्ट्रॉन गन का मकसद क्या है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करना फिर उसको बीम के फॉर्म में तेजी के साथ आगे बढ़ाना। तो इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है, यूज टू इमिट, इमिट मीन्स बाहर निकालना, उत्सर्जित करना, यूज टू इमिट द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, ये काम होता है इलेक्ट्रॉन गन का।
फिर उसके बाद अगर हम डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को देखें used to deflect इलेक्ट्रॉन बीम। अब ये जो प्लेट्स होती हैं दो प्रकार की होती हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या होता है, नहीं इनको हम बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। पहली वाली प्लेट जो होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कैसे अरेंज होती हैं हॉरिजॉन्टल, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर नीचे अप डाउन करती हैं, अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे होती हैं, मूव्स द इलेक्ट्रॉन बीम इन वर्टिकल डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकल डायरेक्शन मूव कराती है, होती है हॉरिजॉन्टल बट इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे ऐसे आती है, मूव्स द इलेक्ट्रॉन बीम इन वर्टिकल डायरेक्शन। और दूसरा हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, इनका क्या काम है, पहले व्यवस्थित कैसे होती हैं, अरेंज्ड इन वर्टिकल प्लेन लाइक दिस, बट इलेक्ट्रॉन बीम को ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मूव्स द इलेक्ट्रॉन बीम moves the electron beam in horizontal direction left to right left to right। और उसके बाद है आपका फिलामेंट, तो गर्म होगा कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ग्रिड का काम क्या है, ग्रिड इट हैज नेगेटिव पोटेंशियल, इसलिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल the brightness, it is used to control the brightness on screen। जो इलेक्ट्रॉन ब्रीम है उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर ग्रिड का पोटेंशियल ज्यादा है नेगेटिव में तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा और कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। इफ ग्रिड हैज मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन इट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन एंड less electron will reach to screen।
और इफ ग्रिड पोटेंशियल इज लेस नेगेटिव, कम नेगेटिव है, देन इट विल allow to pass electron easily through it. जो सारे पॉइंट्स समझाया वही पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, अलग से कुछ भी नहीं. अब आपके पास तीन प्रकार के नोड हैं, प्री फोकसिंग एनोड, सॉरी प्री एक्सेलरेटिंग एनोड. प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, दूसरा फोकसिंग एनोड और नेक्स्ट है पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड. ये क्या करता है, इट एक्सेलरेट्स, त्वरित करता है, गति बढ़ाता है. इट एक्सेलरेट्स द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर फोकसिंग. और ये क्या करता है, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, इट एक्सेलरेट्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट एक्सेलरेट्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर फोकसिंग. और फोकसिंग एनोड क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रॉन इनटू द फॉर्म ऑफ ए बीम या रे या किरण के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. बट ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में जाने से पहले याद नहीं रखनी है. जब आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसमें कुछ की पॉइंट्स लिखोगे कि सीआरटी इज कॉल्ड हर्ट ऑफ सीआरओ, इट कैन मेजर वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी एम्पीयर फेज डिफरेंस, इट कैन नॉट मेजर पावर, और ये आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू सब कुछ मेजर कर सकता है. और बाकी पार्ट टू सीआरओ का आपको जल्द ही मिलेगा कल परसों में, जिसमें हम इसके आगे का हिस्सा डिस्कस करेंगे, लिसाजुएस पैटर्न वगैरह क्या क्या होता है, राइट. तो आज जितनी कहानी आप लोगों को बताई गई उसमें कोई डाउट हो, कोई संदेह हो तो बताइए, टेल मी. आज की कहानी मैं ही खत्म करूंगा. आपको कोई डाउट, कोई संदेह हो तो बताइए आज की क्लास में. जयंता, अनिल राज, रेड कहानी, बोलो हाँ या ना. आज की क्लास खत्म करूंगा मैं, आपको कुछ कहना हो तो बताइए. विकी, संजय यादव, रेड कहानी का कहना है नो सर. तो ठीक है, मेन पॉइंट्स आप इसके याद रखना, बाकी मुझे पूरा समझाना था इसलिए मैंने पूरा समझा दिया. लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर हर चीज़ समझाई गई हो तो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है. एग्ज़ाम के लिए दो तीन चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं बस, ठीक है. तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी की कहानी मैं लिसाजुएस पैटर्न की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा. टिल देन एन्जॉय, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद. ITI के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नो. आपका बैच जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे क्या इसमें से याद रखना है, पूरी वर्किंग समझने की जरूरत नहीं है. सो एन्जॉय एंड गुड नाइट.